वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं पिछले हफ्ते थिएटर्स में रिलीज हुई हिंदी फिल्म यानी कि विक्रम वेदा के तीसरे दिन या फिर कहें संडे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस और चौथे दिन यानी कि मंडे के एडवांस बुकिंग के बारे में। बट उसके तरफ बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं पहले दिन के ऑफिशियल फिगर्स की यानी कि प्रोड्यूसर्स के द्वारा दिए गए ऑफिशियल नंबर्स की। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर्स के द्वारा लगातार जो फिगर्स रिपोर्ट किए जा रहे हैं वो ट्रेड के फिगर्स से कम ही आ रहे हैं, थोड़े बहुत कम ही बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखकर एक चीज़ अच्छी लगती है कि प्रोड्यूसर्स जो है काफी ऑनेस्ट है, भले ही उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हो बट वो कहीं पर भी फिगर्स को मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं, बहुत ही ऑनेस्टी के साथ यहां पर अपने कलेक्शंस दे रहे हैं। जहां पर बात करें फिल्म के कलेक्शंस की तो फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया से 10.58 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था, वहीं दूसरे दिन का कलेक्शन रहा 12.51 करोड़ का। और इसी के साथ साथ इंडिया का जो टोटल दो दिन का नेट कलेक्शन बनता है वो है 23.09 करोड़ का और जो टोटल ग्रॉस कलेक्शन बनता है वो है 27.25 करोड़ का। इसके अलावा अगर बात करें ओवरसीज के कलेक्शंस की तो ओवरसीज में फिल्म का परफॉर्मेंस कह सकते हैं कि इंडिया से काफी अच्छा है, डिसेंट परफॉर्मेंस है। वहां पर फिल्म ने दो दिन के अंदर अंदर 15.95 करोड़ का यहां पे ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ है। और इसी के साथ साथ दो दिन का फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन बनता है वो है 45.45 करोड़ का। तो देखा जाए तो बहुत ही एवरेज, बिलो एवरेज परफॉर्मेंस रहा फिल्म के दो दिन के अंदर। संडे को लगा था कि एक जंप देखने को मिलेगा, एक अच्छा जंप देखने को मिलेगा, फिल्म 40 करोड़ को पार कर जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, बात करें संडे की ऑक्यूपेंसी के बारे में सबसे पहले तो फिल्म की मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी रही थी संडे को 16.97% की, आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी रही 27.53% की, इवनिंग ऑक्यूपेंसी रही 38.06% की और नाइट ऑक्यूपेंसी रही सिर्फ 25.02% की। और इसी के साथ साथ फिल्म का जो तीसरे दिन का एस्टिमेटेड कलेक्शन निकल के आ रहा है वो है यहां पर केवल 14.50 करोड़ से लेकर 14.75 करोड़ का। जी हाँ दोस्तों, शायद ये फिल्म अपने तीसरे दिन या फिर कहें संडे को 15 करोड़ के आंकड़े को भी टच ना कर पाए। हम तो 15-16 करोड़ सोच के बैठे थे, तो वो आंकड़ा भी जो है ये फिल्म टच नहीं करने वाली है। और मतलब यहां पर फिल्म अपने पहले वीकेंड के अंदर, तीन दिन के अंदर 40 करोड़ के नंबर को भी जो है इंडिया के अंदर क्रॉस नहीं करने वाली है, जो कि एक ऋतिक रोशन की फिल्म के अंदर सैफ अली खान भी हैं उसके लिए, जिसको रिव्यूज भी लगभग अच्छे ही मिले हैं, उसके लिए बहुत ही बुरी बात है। अब यहां से भी अगर मेकर्स को समझ ना आए कि रीमेक्स का मतलब आज की डेट में है टोटल रिजेक्शन, आप अच्छी रीमेक बनाओ, आप बुरी रीमेक बनाओ, ऑडियंस ने कह दिया है कि वो रीमेक्स नहीं देखेंगे। तो अब बात कर लेते हैं फिल्म के यहां पर चौथे दिन की एडवांस बुकिंग के बारे में। तो यहां पर चौथे दिन की एडवांस बुकिंग हुई है वो है 1.19 करोड़ की। अब क्योंकि फिल्म का पहला दिन ही बहुत ही एवरेज, बिलो एवरेज था, 10.58 करोड़ की ओपनिंग लगी थी, तो यहां पर इस एडवांस बुकिंग के साथ फिल्म शायद जो है मंडे को पहले दिन के मुकाबले उसके 50-60% का जो कलेक्शन है वो मंडे को कर जाएगी। बट वो कलेक्शन कोई ऐसा नहीं रहेगा कि इस फिल्म को हिट की तरफ बढ़ा दे। अब देखते हैं मंडे को क्या कलेक्शन आता है, आगे ये कलेक्शन किस तरीके से चलते हैं वो सब वक्त आने पर पता ही चलेगा। तो देखते हैं फिल्म आगे किस तरीके से परफॉर्म करती है। यहां से फिल्म का हाल बिल्कुल भी अच्छा तो नजर नहीं आ रहा है। वैसे इस फिल्म के अंडर परफॉर्म करने के कारण आपको क्या लगते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों यहीं तक था आज का वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। वीडियो से वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।